गाइस अगर आप जेड अचीवर का यूज करते हैं वहां पर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते होंगे तो कुछ इस तरीका से प्रॉब्लम आ रहा है, द फाइल वर्जन नॉट सपोर्टेड का। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। और इस वीडियो में जो भी ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आप उसी तरीका से फॉलो करिएगा जिस तरीका से मैं बताऊंगा, नहीं तो आपका जो डाटा है लाइक फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट ये सब डिलीट हो सकता है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो अगर आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगा तो कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव ऐप है वो आप ट्राई करिएगा, वो 100% वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप को जो भी जेड अचीवर यूज करते हैं सबसे पहला नंबर पे आपको कर देना है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट है। आपको जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट कर लेना है। लाइक मैंने पहले वीडियो के मतलब वीडियो में अभी बताया था कि मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट किया हूँ, जेड अचीवर का प्रो वर्जन मैंने डाउनलोड किया हूँ, देख सकते हैं जेड अचीवर का प्रो वर्जन है ये, आप डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पर पैसा आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पर पैसा दे के इसको परचेस किया हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, यहाँ पर जेड अचीवर का प्रो वर्जन मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं अब ऑलरेडी प्रो वर्जन में हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यह वाला जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना होगा लेटेस्ट वर्जन के साथ। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप प्रो वर्जन लेते भी है यहाँ से परचेस करते भी है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, दोनों सेम टू सेम वही है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्रो वर्जन मत परचेस करिएगा, आप नॉर्मल वाला ये वाला जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ मगर आप यूज़ करते होंगे इसी को डाउनलोड करिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ और ये मेरे पास है जो प्रो वर्जन है, यहाँ पर देख सकते हैं जेड अचीवर प्रो। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं अनइंस्टॉल हो गया, इसको ओपन मत करिएगा, ओपन करिएगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है फिर सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखा देगा और यहाँ पर नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा ऐप मैनेजमेंट का, तो आपके फ़ोन में ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप सर्च कर लीजिएगा। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप लिस्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जितना सारा आपके फ़ोन में एप्लीकेशन रहेगा वो सारा यहाँ पर अवेलेबल आ जाएगा, बोले तो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा फाइल्स का, यहाँ पर मैं फाइल्स सर्च करूँगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरीका से फाइल्स आ गया है। एक यहाँ पर आपके फ़ोन में फाइल वाई गूगल रहेगा तो इस पर क्लिक मत करिएगा, ये कोई काम का नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइल्स का ये वाला जो एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। देखा एक मरतिया दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फाइल वाई गूगल इस पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर सिर्फ स्पेशल अगर जिस आप सर्च कर लीजिएगा फाइल का, यहाँ पर मैं सर्च किया हूँ फाइल, स्पेशल एक आ गया है फाइल, सिर्फ फाइल नाम रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा थ्री डॉट का, इस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद अनइंस्टॉल अपडेट करना होगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो थ्री डॉट है और या फिर ये अनइंस्टॉल अपडेट है कुछ कुछ फ़ोन में यहाँ पर भी दे सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज मोबाइल डाटा स्क्रीन टाइम यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट का, या फिर ये जो नीचे है यहाँ पर नीचे वहाँ पर भी आपको अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं रिप्लेस द ऐप विथ द फैक्ट्री वर्जन ऑल डाटा विल बी रिमूव, यहाँ पर ऑल डाटा विल बी रिमूव आ रहा है गाइस, इसका मतलब आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा ये यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, आपका कुछ भी डाटा लॉस नहीं होगा, बस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने ओपन किया हूँ, यहाँ पर इसका जो अपडेटेड वर्जन वो डिलीट हुआ है, याद रखिएगा। वहाँ पर आप अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपका कोई भी फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट ये सब नहीं डिलीट होगा। मैं यहाँ पर गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं जितना भी है यहाँ पर आ गया है फोटो वीडियो, तो यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर मैं फाइल है उसको भी ओपन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं फाइल मैनेजर में ओपन किया हूँ, यहाँ पर सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है मेरा।
तो यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं होता है गाइस, बस जो आपका वर्जन है वो चेंज होता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, जेट अचीवर है इसको ओपन कर लेना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको परमिशन देना होता है, आपको पता है कौन कौन सा परमिशन देना होता है, तो दे दीजिएगा। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है। उसके बाद एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा। और एक चीज मैं बता यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस नाम रहेगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कैन नॉट यूज दिस फोल्डर का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डाटा वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स मतलब आपका जो भी डिवाइस का नाम रहेगा वो, और यहाँ पर एंड्रॉयड का है सिस्टम है तो एंड्रॉयड आ गया, उसके बाद यहाँ पर डाटा तो डाटा आ गया, उसके बाद यूज दिस फोल्डर है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करिएगा, उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, तो देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जितना भी डाटा था वो सारा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर मैं BGMI का ओपन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं .com.pubg.imobile, तो यहाँ पर इस तरीका से आ गया। यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यू आप यहाँ पर जो भी फाइल लगाना चाहते हैं, जो पता है आप लोग हैक के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो आप करिए, हमको क्या। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि ये जो ट्रिक है वो कुछ कुछ डिवाइस में वर्क नहीं करेगा, तो वो भी देख लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव ऐप मैं आपको बताता हूँ। जैसा वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो न्यू ऐप आपके लिए लेके आता हूँ, तो इसका दो ऑल्टरनेटिव ऐप बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आइएगा और ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, याद रखिए CX फाइल एक्सप्लोजर है, इसको डाउनलोड करिएगा। और कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही ऐप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, फिर नेक्स्ट वहाँ पर जो भी फाइल का मतलब आपको अलाउ करने के लिए कहेगा आप अलाउ कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको ऐड भी आ सकता है क्योंकि ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किए हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद मेन स्टोरेज है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेगा फिर यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। मतलब यहाँ पर मैं कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पर एंड्रॉयड है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर डाटा, उसके बाद इको वाला उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया है। उसके बाद यूज दिस फोल्डर है इस पर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ करूँगा, तो इसमें भी जितना भी मेन फाइल है, मेन स्टोरेज देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब डाटा वाला ऑप्शन में जितना भी OVV फाइल है वो सारा OVV फाइल यहाँ पर आ गया है। मैं पबजी मोबाइल ओपन करके दिखाता हूँ, मतलब पबजी मोबाइल का जो OVV फाइल होता है उसको भी यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो सके। देख सकते हैं .com.pubg.imobile यहाँ पर जो फाइल है वो आ गया है। और यहाँ से भी आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब जेट अचीवर का जो प्रॉब्लम है वो अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो इस एप्लीकेशन का भी यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर और सेकंड एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो है RX फाइल, यहाँ पर देख सकते हैं CX फाइल, ये तो फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना RX फाइल, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फाइल। जैसे आप RX फाइल सर्च करिएगा तो ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, देख सकते हैं RX फाइल मैनेजर फाइल एक्सप्लोरर है, ये वाला जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद एग्री, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर परमिशन मांगेगा वो दे दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा फ्यूचर भी मिलता है जो जेट अचीवर में नहीं मिलता है वो इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंटरनल स्टोरेज पे, इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया। उसके बाद जनरेट नाउ है, मतलब जो आप परमिशन है उसको आप पहले दे दीजिए, देख सकते हैं उसी तरीके से आया। उसके बाद यूज दिस फोल्डर है इसको अलाउ करिएगा, अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी OVV फाइल है वो आ गया। यहाँ मैं पबजी मोबाइल का जो OVV फाइल है वो भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हैं .com.pubg.imobile यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो भी आप फाइल को ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो आपको पता है कि क्या ऐड करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा